क्या नाम? मेरा नाम संदीप सक्सेना है। मेरी पत्नी यहाँ नगर पंचायत पकड़िया नौगमा में महिला सीट आरक्षित होने के कारण चुनाव लड़ रही हैं। उनका नाम क्या है? मेरी पत्नी का नाम वर्तिका सक्सेना है और मैं समाजवादी पार्टी की ओर से यहाँ पर प्रत्याशी हूँ। कैसी फील्ड वर्क लग रही है आपको यहाँ की नौगमा पकड़िया की? क्या देखिए, मैं पिछले 6 वर्षों से पकड़िया नौगमा में तमाम मुद्दे हों, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वह पानी की समस्या हो, चाहे वह सड़कों की समस्या हो, चाहे वह गलियों की समस्या हो, चाहे वह साफ सफाई की समस्या हो, चाहे वह बीमारियों की समस्या हो, चाहे वो पानी के निकास की समस्या हो, तमाम समस्याओं को उठाते हुए पिछले 6 वर्षों से इस पकड़िया नौगमा में संघर्ष कर रहा हूँ। और जो लोग ये कह रहे हैं कि पकड़िया नौगमा को नगर पंचायत बनवाने में उन्होंने अपना सहयोग दिया है, तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं। पिछले 6 वर्षों से 7 वर्षों से पकड़िया नौगमा को नगर पंचायत बनवाने के लिए लगातार संघर्ष करता आया हूँ, जिसमें माननीय पूर्व मिनिस्टर रहे माननीय हाजी रियाज अहमद का बहुत बड़ा सहयोग रहा। उसके बाद हमारे पीलीभीत के सांसद श्री वरुण गांधी जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। तो तमाम ऐसे चीज़ें हैं, ऐसी क्या नाम है, दावे हैं जो लोग कर रहे हैं, वो सारे के सारे दावे फर्जी हैं। इस पकड़िया नौगमा को नगर पंचायत बनवाने के लिए किसी ने कोई कुछ नहीं किया है। रही बात पकड़िया नौगमा के लोगों ने खुद ही एक मिशन स्वच्छ पकड़िया नाम से एक यहाँ आंदोलन चलाया था। तमाम पकड़िया नौगमा के लोग इस पकड़िया नौगमा को नगर पंचायत बनवाने में सहभागीदार हैं, ना कि कोई नेता और ना ही कोई व्यक्ति। नहीं, आपकी टक्कर किससे मानी जा रही है यहाँ पे? भाई, टक्कर उक्कर का क्या सवाल है, हम लोग तो चुनाव लड़ रहे हैं। सारे के सारे लोग चुनाव लड़ने वाले हमारे नगर पंचायत पकड़िया नौगमा के लोग हैं और चुनाव वोटर भी नगर पंचायत पकड़िया नौगमा के हैं। तो ऐसे चुनावी माहौल में कोई टक्कर उक्कर नहीं होती है। एक पब्लिक का रुझान होता है और पब्लिक का रुझान जिसकी तरफ है वह सब लोग समझ रहे हैं। तमाम प्रकार के दबाव डाले जा रहे हैं, तमाम लोग बातें करते हैं, लेकिन पब्लिक अपना मन बना चुकी है। पब्लिक जिसके साथ में है वो अपना मन बना चुकी है। अच्छा, ये पूछना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि पब्लिक ने मुझे आप जैसे आप कह रहे हैं तो जीतने के बाद आप पब्लिक के लिए और क्या क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक इंटर कॉलेज नहीं है, उसकी स्थापना करवाऊँगा। वृक्षारोपण, पौधारोपण, पार्क का सौंदर्यकरण, पार्क बनवाने का काम, जो गलियां कच्ची हैं, टूटी हैं, उनको फिर से बनवाने का काम, और पूरे नगर पंचायत में CCTV कैमरा लगवाने का काम, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स अभी यहाँ पर निर्धारण नहीं है, उन सभी पर मैं उस पर काम करना बाकी है। तमाम चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात पकड़िया नौगमा में बहुत बड़ी मात्रा में गंदगी व्याप्त है, उसको बिल्कुल स्वच्छता, जो हमारा मिशन है मिशन स्वच्छ पकड़िया नौगमा, उस पर काम करते हुए हम लोग इस पर काम करेंगे। मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि जैसे आपके यहाँ काफ़ी प्रत्याशी खड़े हैं, तो आपकी टक्कर भी किसी से है या नहीं है? किसी को समझ रहे हैं कोई प्रत्याशी के मतलब मैदान में है जिसके लिए जनता चाह रही है? ये आप जो सवाल पूछ रहे हैं इसका जवाब कल हमारे पकड़िया नौगमा में एक माननीय जी आए थे और जिस प्रकार से जो कुछ होना चाहिए था वह सभी लोगों ने देखा है।